सोलन जिला के परमाणु स्थित सेक्टर 2 में झुंगी में रहने वाले एक 21 वर्षीय युवती से पुलिस की एसआईयू की टीम ने 7.85 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने ये चिट्टा युवती के पर्स से बरामद किया है। जिला सोलन का इस तरह का ये पहला मामला है जब किसी युवती से चिट्टा बरामद किया गया। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस की एसआईयू की टीम ने परमाणु के सेक्टर 2 में रहने वाली युवती से चिट्टा पकड़ा है। उन्होंने बताया कि आज आरोपी को कसौली अदालत में पेश किया जा रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हमीरपुर गांधी चौक पर प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने व स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने फूल मालाएं अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एसडीएम हमीरपुर नगर परिषद के ईओ केएल ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद फिट इंडिया मुहिम के खिलाड़ियों व स्कूल के छात्रों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान को चलाया जा रहा है ताकि देश स्वच्छ बन सके। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आज से पूर्णतया प्रतिबंध लग गया है। उन्होंने लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। टाउन हॉल हमीरपुर में वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग बजरा कौर की ओर से डबल विक्ट्री ब्रिगेड के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमांडर 15 इंडिपेंडेंट मेकनाइज ब्रिगेड के ब्रिगेडियर हरीश सेठी व गौरी सेठी ने कार्यक्रम में वीर नारी विधवाओं और उनके आश्रितों को सम्मानित किया। इसमें जिला भर से 200 के करीब वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सत्या देवी, जिशा देवी, मीरा देवी, निर्मला देवी, सरिता देवी, मंजू कौशल, कमलेश कुमारी, संतोष कुमारी व कृष्णा कुमारी आदि समेत 200 के करीब वीर नारियों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसके तहत 55 मेकनाइज ब्रिगेड अध्यक्ष परिवार संगठन डबल विक्ट्री ब्रिगेड कर्नल विंटर्स ब्रज कॉर्प जूनियर कमीशन्ड अधिकारी व अन्य पदों की टीम द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ वीर नारियों व उनके आश्रितों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को सुलझाने के लिए इस दौरान कार्य किए गए। कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों व उनके आश्रितों की तरह तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न पंडाल लगाए गए थे, जहां उनकी समस्याओं को सुना व उसका निपटारा किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों को सरकार व सेना द्वारा उनके हित में चलाई जाने वाली तमाम स्कीमों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी गई। व इसके साथ ही आश्रितों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर में स्थित आर्मी रोजगार कार्यालय में आश्रितों को उनकी तमाम जानकारी प्रदान कर व उनके लिए योग्य रोजगार लेने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के पश्चात वीर नारियों व उनके आश्रितों ने सीएसडी स्मार्ट कार्ड, ईसीएचएस कार्ड तथा पेंशन संबंधित समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसका उसी वक्त निपटारा किया गया। हमीरपुर के गांधी चौक पर परमपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सुबह तड़के प्रभात फेरी ली गई और बापू की प्रतिमा को नमन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बापू को याद किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया।